महाराष्ट्र की हरपल बदल रही राजनीति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सरकार बनने को लेकर बड़ा दावा किया है। पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बनेगी। हमारे पास 119 विधायक है और उनके बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती। बीजेपी ही राज्य में स्थायी सरकार दे सकती है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा निश्चित रूप से सीएम शिवसेना का होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वो ये है कि राज्य में सीएम किस पार्टी का होगा। इस पर एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने ये बयान दिया है। सोशल मीडिया पे शशि थरूर ने कुछ कहा ऐसा जिससे होने लगी चर्चा। शशि थरूर सोशल मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनके नए नए अंग्रेजी के शब्द लोगों को शब्दकोश देखने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लीक से हटकर कुछ ऐसा किया कि उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। अयोध्या पर फैसला देने वाले सीजेआई रंजन गोगोई का कोर्ट में आखिरी दिन, सबको कहा धन्यवाद। 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें चीफ जस्टिस बने गोगोई का कार्यकाल लगभग 13 महीने का रहा। वो असम के मुख्यमंत्री रहे। केशव चंद्र गोगोई के बेटे हैं। उन्होंने 1978 में वकालत शुरू की। 2001 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्थायी जज बने। प्रदूषण को लेकर एससी ने कहा दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने पर विचार करे केंद्र, ऑड इवन प्रदूषण का हल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वो दिल्ली के प्रदूषण के स्थायी हल के लिए रोड मैप तैयार करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक हफ्ते में सभी सरकारें अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें। मर्दानी 2 से वापसी कर रही हैं रानी मुखर्जी। फिल्म में रानी एक निर्भीक और प्रतिबद्ध पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी रॉय के अपने किरदार को दोहरा रही हैं, जिसमें रानी एक कम उम्र के लेकिन कुख्यात अपराधी का डटकर सामना करती हैं। प्रदूषण पर एससी सख्त, 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को किया तलब। सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने 29 नवंबर को मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ ही अनुपालन रिपोर्ट भी देने को कहा है। सभी मुख्य सचिवों को 25 नवंबर तक हलफनामा दायर करना होगा। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक अकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। यूपी में सरकारी विभागों, नेताओं, अफसरों पर 13,000 करोड़ का बिजली का बिल बकाया। ऊर्जा विभाग की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक सिंचाई विभाग पर 2,656 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। इसी तरह शहरी विकास विभाग को बिजली के बकाया के तौर पर 3,636.18 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को करना है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले पाक ने आतंकवाद का उद्योग खोला, भारत पर कराए आतंकी हमले। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ आतंकवाद उद्योग को विकसित किया है और वो भारत पर हमले करने के लिए आतंकवादी भेजता है। ऐसे में बातचीत कैसे संभव है।